हेलो बच्चों बच्चों, पिछली बार हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब हम लोग निकालेंगे इंटेंसिटी। तो इसमें जो है, देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट की कैसे निकालते हैं, अब हम लोग इसको सीखेंगे। तो इसके दो केस होते हैं। सबसे पहला केस होता है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन को एक्सियल पोजीशन भी हम लोग कहते हैं। इस पोजीशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक डाइपोल है, कहीं पे रखा हुआ है, और यहाँ से उसी डाइपोल के एक्सिस पर, यानी जैसे डाइपोल ये रखा हुआ है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालनी है। ये होती है एक्सियल पोजीशन, इसको बोलते हैं, इसका नाम है एंड ऑन पोजीशन भी कह सकते हो और या एक्सियल पोजीशन भी कह सकते हो। दूसरा केस है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल लाइन। जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, तो इसके अक्ष पे ना होकर के इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर से ये है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले केस हम ले रहे हैं एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। तो हमको निकालना क्या है, एक्सप्रेशन निकालना है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक डाइपोल है ए बी। ए बी इज़ द डाइपोल हुज लेंथ इज 2L, और इस डाइपोल के एक्सिस पर आप देखिए, इस पॉइंट पे, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पे हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए, ये देखिए डाइपोल का ये मिड पॉइंट है O। इस मिड पॉइंट से सपोज़ कीजिए R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P सिचुएटेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, ये जो चार्ज प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मान लीजिए E1 है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है ना, तो इस फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, E2 इसको मान लो, तो E2 का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। समझ गए इस बात को, जब ये प्लस क्यू है तो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, दूर। ये माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो अंदर की होगी, यानी E1 और ये E2। E1 क्या है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 क्या है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा E, वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब चूंकि E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका रिजल्टेंट हो जाएगा E=E1 - E2। ये रिजल्टेंट हो जाएगा, यही E हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, लेट ए बी इज डाइपोल हुज लेंथ 2L, मान लिया O इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, सो AO = BO = L, ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी। लेट P इज़ ए पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम O एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ तो वहीं E1 और E2 मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब ज़रा देखिए, ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस है R, O से P के बीच की डिस्टेंस R है। तो ये बताइए कि B से
पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल, ठीक है। तो बी पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। इसी तरीके से देखिए ए से पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर है ये एल है तो आर प्लस एल। तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी इक्वल टू आर प्लस एल। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए इस पॉइंट पर पी पर, ई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें आप जो है जो पढ़ चुके हो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के का मतलब ये होता है कि ये जो डाइपोल है ए बी, ये एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, ठीक है। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ई वन इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लेंगे बी पी, ये हो जाएगा बी पी स्क्वायर, ठीक है। बी पी की वैल्यू रख दीजिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ई वन कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप इस चार्ज माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू निकाल लीजिए, तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस क्यू की वजह से निकालोगे तो ए पी, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू ई टू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, ठीक। ए पी की वैल्यू रख दीजिए तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो ई वन होगा ये बी से पी की तरफ होगा, ये ई वन का डायरेक्शन बी से पी की तरफ होगा यानी बाहर की तरफ होगा, और ई टू का डायरेक्शन क्या होगा, पी से ए की तरफ होगा, ठीक है। ये देखिए पी से ए की तरफ। अच्छा अब देखिए दोनों ई वन और ई टू अपोजिट हैं डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू ई वन माइनस ई टू। अब यहाँ ई वन और ई टू की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, इसको कॉमन ले लो तो यहाँ पे जो बचेगा उसको आप लिख दीजिए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे देखिए। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ई इक्वल टू ये तो आपका हो गया क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू, इसमें एलसीएम ले लिया आपने आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो आपका ऊपर न्यूमरेटर में इतना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर, ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस में आ जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये आपका आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये बचेगा टू आर एल प्लस टू आर एल, यानी हो जाएगा फोर आर एल। आर स्क्वायर ये देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया फोर आर एल, और बाहर कितना है क्यू। अब इसको थोड़ा सा हम चेक वो कर लेते हैं सेट, ये जो फोर है इसको टू इंटू टू में कर लो, ठीक है। तो टू यहाँ पे बाहर कर लिया, टू क्यू और एल, तो ये देखिए फोर को हमने टू और टू में ब्रेक कर लिया है, और क्यू एल आर क्यू एल आर, ठीक है। तो टू क्यू एल को मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं पी के इक्वल, टू क्यू एल इक्वल टू पी,
डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 के 2, इसकी जगह P, इसकी जगह R, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये जो डाइपोल था आपका, मैंने आपसे बोला था कि डाइपोल के बीच की जो लेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, यानी ये चार्ज जो है एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं, यानी ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है। और इसके डाइपोल के मिड पॉइंट से ये जहाँ पर हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है, यानी ये जो डिस्टेंस आर है ये बहुत दूर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस आर के कंपेरिजन में ये 2L बहुत छोटा है, यानी L और छोटा होगा, ठीक है, यानी लेंथ इसकी। इफ़ L इज टू मच लेस देन R, देन क्या हो जाएगा, इस L को हम लोग नेग्लेजिबल मान लेंगे, क्योंकि L बहुत छोटा है। जैसे चींटी है और हाथी है, तो जो चींटी का मास होता है और हाथी का मास होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो चींटी का जो मास है वो नेग्लेजिबल है एज़ कंपेरिजन टू द मास ऑफ एलिफेंट, ठीक है, तो इसको हम नेग्लेजिबल मान लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी जब ये हो जाएगा आर की पावर 4, तो 2πr अपॉन आर की पावर 4, ये आर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 2π अपॉन आर क्यूब ये आ जाएगा। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सिस पोजीशन। अभी देखिए कि अगर मान लीजिए इस ये डाइपोल जो है किसी ऐसे मीडियम में रखा है जो वैक्यूम है या एयर है, तो एयर के लिए आप जानते हो के की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4πε0 2π अपॉन आर क्यूब। और आप जानते हो कि ई जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसकी होती है कूलाम, तो न्यूटन अपॉन कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हो डायरेक्टली 9×10⁻¹। अब बच्चों अगले उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है किसी मीडियम में रखा है तो उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। थैंक यू।